टाइम है अपनी साइकिल को अपग्रेड करने का एंड मार्वल यूनिवर्स के कुछ मैजिकल गैजेट्स को लेने का। एंड ये कैसी फोल्डेबल लाइफ है और ये सारे गैजेट्स कहाँ मिलेंगे सब पता चलेगा। जस्ट वीडियो को लाइक कर दो अभी से। एंड ये रहा आज का पहला गैजेट। बाइक, कार या कोई भी गाड़ी उठाकर देख लो, लाइट्स तो सभी में होती हैं, सिर्फ बाइसिकल में ही नहीं होती। बट अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसा गैजेट जिसे अगर आप अपनी बाइसिकल में लगा लोगे तो आपकी साइकिल किसी भी स्पोर्ट्स बाइक या इवन कार की लाइट की भी बैंड बजा देगी। ये है ल्यूमॉस फायरफ्लाई। ये छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जिन्हें जस्ट आपको अपनी साइकिल में आगे एंड पीछे साइड लगाना होगा। दो फ्रंट में लगा लो एंड दो रियर साइड में, इतना इनफ रहेगा। और उसके बाद ये लाइट्स अलग अलग मोड्स में जब ऐसे फ्लैश करके जलेंगी तो रोड पर सिर्फ आप ही आप दिखोगे। फ्रंट एंड ब्रेक लाइट्स के अलावा इसमें टर्न इंडिकेटर्स भी दे सकते हो आप। मुड़ते टाइम दो दो लाइट्स लगाने का सजेशन तो मेरा है, बाकी आप कम या ज्यादा लाइट्स भी लगा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही अल्ट्रा ब्राइट रहती हैं, सो रोड पर चल रही दूसरी गाड़ियों से भी आप सेफ रहोगे। एंड यार इनसे आपकी नॉर्मल बोरिंग बाइसिकल को ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लुक मिलने वाले हैं। आई एम श्योर कि इससे पहले आपने ऐसा लाइटर तो कभी नहीं देखा होगा। नॉर्मल लाइटर में जहाँ सिर्फ एक फ्लेम निकलती है, इसमें एक साथ ट्रिपल फ्लेम्स निकलती हैं, वो भी काफी तेज, इसीलिए इसे जेट लाइटर बोला जाता है। इसे निकलने वाली फ्लेम्स की इंटेंसिटी को आप इसे पीछे से ऐसे खोल कर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देखने में भी ये लाइटर बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, डार्क कलर में तो और भी ऑसम लगता है, और किसी भी नॉर्मल लाइटर से तो तीन गुना ज्यादा हॉट एंड पावरफुल है अपनी ट्रिपल फ्लेम्स के चलते। ल्यूमिनस फिजेट स्पिनर। अब ये रहा धांसू लड़कों के लिए एक धांसू फिजेट स्पिनर। ये एक तरह की साइबरपंक रोबोटिक डिजाइन में आता है एंड इसके मिड में एक खतरनाक स्कल बनी रहती है। इसके साइड में ये छोटे छोटे ल्यूमिनस मटेरियल्स डालकर जब आप इसे स्पिन करोगे तो कुछ ऐसा अमेजिंग पैटर्न देखने मिलेगा इसमें। ये ल्यूमिनस मटेरियल्स कलरफुल रहते हैं एंड इन पर आप जितनी भी फ्लैश लाइट डालोगे ये उतना ही ज्यादा ग्लो करेंगे अंधेरे में। बेसिकली रेडियम वाले कॉन्सेप्ट पर ये काम करते हैं। बट ओवरऑल ये फिजेट स्पिनर भी काफी कूल गैजेट है टाइम पास और फन के लिए। गोवी नियॉन रोप लाइट। ये गैजेट है पर्टिकुलरली आपके रूम के लिए। ये एक नियॉन रोप लाइट है जो कि आती है गोवी की तरफ से एंड इसे आप लिटरली किसी भी शेप में अरेंज करके अपने कमरे में लगा सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो इसमें, अपने फेवरेट सुपर हीरो का लोगो बना सकते हो और भी बहुत कुछ। एंड ये नियॉन रोप लाइट स्मार्ट है, यानी इसे आप अलेक्सा के थ्रू वॉइस कमांड्स देकर भी इसे कंट्रोल कर पाओगे। जब ये ऑन होगी एंड आपके रूम में म्यूजिक बजेगा तो ये ना उस म्यूजिक की बीट पर ऐसे ग्लो करेंगी, मतलब म्यूजिक पर रिएक्ट करेंगी एक तरह से। और जब एक ही तरह की डिजाइन से आप ऊब जाओ तो वापस से इसे रीअरेंज करके कुछ नया बना लो। स्नैप लॉक की बात करें दोस्तों तो ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग नाइफ्स में से एक है। ये नाइफ अपने हैंडल में ऐसे फोल्ड होकर लॉक हो जाती है एंड इसके टॉप पर लगे इस पार्ट को पुश करके थंब से इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो। इसका ये मैकेनिज्म इसे दूसरी नाइफ से कहीं ज्यादा ऑसम बना देता है। फोल्ड करने का भी इसका सेम तरीका रहता है। ये ब्लेड ऐसे ही 180 डिग्री घूमते हुए फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाती है एंड इसके फोल्डेड फॉर्म में आप इसे बिना किसी टेंशन के इजिली अपनी पॉकेट में रख सकते हो। इसकी लेंथ होती है 6.25 इंचेस की, जिसमें 2.5 इंचेस की तो सिर्फ इसकी ब्लेड ही ब्लेड होती है। बनाई गई है ये स्टेनलेस स्टील से एंड इसे आप एक पैराकॉर्ड में या फिर अपने की चेन के साथ भी लगाकर हमेशा अपने साथ रख सकते हो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। आई ऑफ एगोमोटो। अगर आपका कोई दोस्त मार्वल फैन है या अगर आप खुद ही डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन हो, देन इससे अच्छा गैजेट तो शायद ही आज की लिस्ट में दूसरा कोई हो। ये है आई ऑफ एगोमोटो और ये भी मूवी वाली आई की ही तरह लॉकेट की फॉर्म में आता है। इसका आई वाला पार्ट रोटेटेबल होता है एंड कलर के भी इसमें दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल्दो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, आप कोई सा भी ले सकते हो। बाकी तो इसमें एक टिपिकल लॉकेट की ही तरह पहनने के लिए कॉर्ड रहती है जो पीछे से लॉक एंड अनलॉक हो जाती है। अब ये जो इतनी सारी अलग अलग कलर्स एंड पैटर्न्स वाली कूल लाइट सेबर्स है ना, इन्हें भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। लिंक्स तो हमेशा की तरह सारे गैजेट्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। एंड अब आ जाते हैं इस न्यू पिक्सल लाइट सेबर पर। तो इसके हिल्ट में एक बटन रहता है जिसे प्रेस करने के बाद ये लाइट सेबर कलर स्विच करती है। उसके बाद गाइस जब ये ऑन होती है तो इसमें एक बहुत ही कूल साउंड इफेक्ट भी आता है। कुल मिलाकर एक स्टार वॉर्स फैन के लिए इस लाइट सेबर में वो सारे फीचर्स हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है, बस इसे गिराना नहीं, वरना इसका हिल्ट तो बच जाएगा क्योंकि मेटल से बना होता है बट ऊपर वाला पार्ट ग्लास का रहता है तो वो नहीं बच पाएगा। बाइसिकल राइडिंग के दौरान अगर फोन यूज करना है लगातार तो इसके लिए फोन माउंट्स आते तो हैं, बट यार वो हार्ड प्लास्टिक से बने होने के चलते उतने ड्यूरेबल या स्टेडी नहीं होते एंड कभी कभी उनसे फोन निकलकर गिर ही जाता है। ऐसे में आप यूज कर सकते हो इस तरह का सिलिकॉन से बना हुआ फोन होल्डर। इसका पहला प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि ये बल्कि नहीं है, बिल्कुल हल्का है, बस इसे बाइसिकल के हैंडल पर लगा देना होता है एंड फिर इसमें आप अपने स्मार्टफोन को माउंट कर सकते हो इजिली। एंड ये फोन को चारों कॉर्नर से ग्रैब कर लेता है, सो उसके गिरने की तो जरा भी टेंशन लेना ही मत। ये 200 रुपए के आसपास
पास आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये रहा एक स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें आपको एलेक्सा भी मिल जाती है। ये साइज में काफी स्मॉल है, सो आप अपनी बाइक या बाइसिकल के हैंडल पर भी इसे माउंट करके राइडिंग के दौरान इसमें अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो ऑन द गो। इसे कैरबिनर की मदद से इंस्टेंटली कहीं पर भी लगाया जा सकता है। आपकी आउटडोर एक्टिविटीज में ये पूरा टाइम आपके साथ रहेगा। एंड क्योंकि इसमें एलेक्सा पहले से ही इंटीग्रेटेड है, सो फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे आप जो सॉन्ग बोल दोगे वो ये प्ले कर देगा। तो ये एलेक्सा वाला जो फीचर है इसका, वो बाकी स्पीकर से काफी अलग बनाता है इसे। वैसे तो इसमें और कुछ ज्यादा इतना खास नहीं है, बस यही एलेक्सा वाला फीचर है। अब देखो, घर के अंदर अगर ऐसी जगह जगह पर प्लांट्स या मिनी गार्डन्स लगे होंगे तो यार इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि सारी सब्जियां आपको घर बैठे ही मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्रेश आपकी आंखों के सामने। एंड सेकेंड फायदा ये है इसका कि आपके इंटीरियर्स के लुक्स बिल्कुल ही अनदर लेवल पर पहुंच जाएंगे। टमाटर, गाजर, मूली से लेकर मिर्च वगैरह ये सब इसमें ग्रो किया जा सकता है। मैंने बोला ना, सारी सब्जियां मिलेंगी इसमें आपको, इवन फ्रूट्स भी। तो इन्हें ग्रो करने के लिए इस गार्डन सिस्टम के कुछ पार्ट्स रहते हैं जिन्हें आपस में जोड़कर आप इनमें मन चाहे प्लांट्स लगा सकते हो। इन्हें आप कहीं भी रख सकते हो, अलमारी में, टेबल के नीचे, लिटरली कहीं पर भी, जहां भी आपका मन करे। अच्छे तो ये लगते ही हैं। तो जब भी मॉर्निंग में खाना बनेगा, इससे आप इंस्टेंटली वेजीज को तोड़कर उन्हें कुक कर लोगे, ना मार्केट जाना पड़ेगा, ना पैसे वेस्ट होंगे। एंड सबसे अच्छी बात पता क्या, इन्हें आपने खुद ग्रो किया होगा तो फ्रेशनेस की तो इसमें गारंटी रहेगी। देखो, विंटर्स में सारा दिन हीटर या फिर समर्स में दिन रात एसी चलाओगे तो बिल देखकर हवा टाइट तो होनी होनी है, बट एयर लियो नाम का ये डिवाइस बिल भी बहुत कम कर देगा। एंड समर में आपको रखेगा कूल एंड विंटर में रखेगा वार्म। कैसे? वो ऐसे गाइस कि जहां एसी पूरे रूम को ठंडा करती है ना, ये डिवाइस सिर्फ उस स्पेस को कूल या वार्म करेगा जहां पर आप बैठे या लेटे होगे, बस। बाकी रूम से इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक तरह का कंफर्ट जोन ये क्रिएट कर देता है जिसमें एयर का टेम्परेचर या तो कूल रहेगा या फिर वार्म, जैसा आप चाहो। एंड जब ये जरा से स्पेस को कूल या वार्म करेगा तो ऑब्वियसली बिल तो बहुत कम आना ही है। तो बेसिकली एक छोटे लेकिन ब्रिलियंट आइडिया से बनाए गए इस डिवाइस से आप लिटरली हजारों रुपए सेव कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल में। एंड दोस्तों, ये है एक ऐसी ग्लॉक, एक ऐसी पिस्टल जिससे शूट करने पर निकलता तो पानी है, बट बिल्कुल असली वाली पिस्टल की स्टाइल में। ये वाटर ग्लॉक इलेक्ट्रिक होती है एंड इसका ट्रिगर प्रेस करने पर ये कंटिन्यूअसली वाटर बुलेट्स शूट करती है। मैगजीन इसमें नीचे साइड रहती है जिसमें सिर्फ पानी भरना होता है। वैसे ये वाला गैजेट मुझे आपको होली के टाइम पर दिखाना चाहिए था ना। एनीवेज, किड्स के लिए ये टॉय भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपने वीडियो लाइक किया अभी तक? नहीं किया देन इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।